हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज आप मेरा बैकग्राउंड चेंज देख रहे होंगे, मैं पहुँच चुकी हूँ रजनी के घर में। मैं आई थी सुनीता के घर में किसी काम के लिए, और तो सुनीता, रजनी का मैसेज आया कि जरा मेरे घर आ जा, कुछ काम है, थोड़ी मतलब प्रैक्टिस करते हैं आपस में करके। तो मैं आ गई, सुनीता के पास आई थी, सुनीता का इसके ऊपर वाले फ्लोर में है। तो मैंने कहा चलो आ ही रही हूँ, मतलब तुम्हारे पास ही बैठ जाऊँ, खाना वाना खा के आ गई थी, बेटे ने भी खा लिया था, और मैं हो चुकी हूँ फ्री। बज चुके हैं 12:30, मैं आ गई हूँ रजनी के घर, और अंदर आपको ढोलक सुनाई दी होगी ना। मीना और रजनी की क्लास पहले से ही चल रही है यहाँ पर, और सुनीता आई है मेरे साथ ऊपर से। अब मैं दिखाती हूँ आपको अंदर क्या हो रहा है। तो गाइज यहाँ पर देखिए हमारे कलाकार, ये है मीना। हेलो मीना। हाय। तो मीना को मतलब इतनी रटन लग चुकी है सीखने की, कह रही है जब तक लोगों को चैलेंज कर रखा, वो आपने देखा ही था मेरे पिछले वाले ब्लॉगों में, मीना ने हमको चैलेंज किया है कि अगर तुम चारों ने मेरे को नहीं सिखाया तो तुम असली कलाकार नहीं हो। उसमें से एक सुनीता है, एक रजनी है, एक मैं हूँ, एक नीलम दीदी है। अरे यार नीलम दीदी को बुला लेते यार। बोला मैं नहीं आ रही नीलम दीदी, मैं तो सुनता के वहाँ काम से आई थी ना, वो सुशीला को लाई थी मैं काम के लिए। हाँ सुशीला नहीं, मुझे मैसेज आया था, सुना उसका रजनी का। रजनी का मैसेज मुझे आया था कि आने के लिए आ जा, यहीं बैठ के थोड़ी ढोलक की प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं आ गई, और ये है हमारी रजनी, ये इस घर की मालकिन है। देखो और देखो ये कितना अच्छा रूम है इनका, एकदम मस्त सेपरेट। अच्छा अच्छा घर में ही शिवम है, तो हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलाऊंगी क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। ये हमारी सुनीता, सुनीता रजनी और मीना, और अब आ चुकी है इनके साथ आशा, आशा बेस्ट ब्लॉगर। तो मेरी वीडियो को टीवी में देखते हैं, और अपनी फैमिली के साथ है ना, तो क्या बोलते हैं भाई साहब लोग, क्या बोलते हैं फिर? कुछ नहीं, देखते तो रहते हैं। अच्छा यही मस्तियाँ मारते हो तुम दिन भर, है ऐसे बोलते हैं? रात बीमार पड़ जाते हो, मेरे मस्तियाँ मार। नहीं कह रही है तुम्हारी सीता मुझे कहाँ नीचे, मैं कहाँ नीचे। अच्छा वो देखा होगा सुंदर कांड का। हाँ पापा जब मम्मी ने रात तो ये मेरे ब्लॉग की बात हो रही है, मेरे ब्लॉग से ना मैं अपने और कहीं नहीं तो अपने A3 मतलब फेमस हो ही चुकी हूँ, है ना, बहुत जगह पर। क्यों तुम्हारी ठीक है? हाँ सब्सक्राइब बोलना मेरे को, अगर देखना है डेली तुम्हें तो इसको सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ से देखते रहना सारे फोनों से सब्सक्राइब। हाँ पकड़ पकड़ के छीन छीन के करना गांव वालों के पास, बोला दिखाना जरा फोन, एक मिनट कुछ करना है, फट मुझे सब्सक्राइब कर देना, आइकन दबा देना। हाँ बहुत तो नहीं कर रखा, अब 1,500 से ऊपर हो गए। हाँ डेढ़ नहीं, 1,500 से 1,600 हो गए शायद, 1,600-1,700 हो गए, 1,700 शायद। हाँ मैं इतने ही हो गए, अभी देखती हूँ मैं कितने हुए, मैं डेली नहीं देखती ना, कभी कभी देखती हूँ, आज बढ़ते रहते हैं वैसे तो हमेशा ही। तो पहले कर लेते हैं ढोलक की प्रैक्टिस, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पर आ चुके हैं दो ढोलक, और जो थोड़ी ऊंचे ऊंचे कलाकार हैं वो ऊपर बैठ गए हैं, और जो जो मीना मीना जो नीचे कलाकार है यहाँ नीचे बैठे, नीचे कलाकार यहाँ बैठे, ऊंचे कलाकार ऊपर, दोनों की ढोलक आ गई है। गाइस यहाँ पर सारे भक्तों का गला सूख चुका है, और हमारे लिए आ गई है कोल्ड ड्रिंक, और आया है साथ में नमकीन। ये आया हमारी रजनी के द्वारा बनाया गया है, रजनी के प्यारे प्यारे हाथों, सबसे पहले रजनी को दे दिया, वही बना के ला रही, उसी के हाथों पकड़ा रही, थैंक यू सो मच। तो अब हमारा हुआ है कोल्ड ड्रिंक ब्रेक हुआ है, हम लोग थक गए हैं और गला सूख गया है गाते गाते, तो मैंने आपको दिखाया नहीं है कीर्तन हम क्या गा रहे हैं, क्योंकि आप भी बोलोगे कि रोज ही ऐसी करते हैं, क्या है देखना इनका, ये देखो हम ऐसी मस्ती करते हैं, चार दिन की जिंदगी है फुल एंजॉय के साथ जियो। मीना इधर को, मीना हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तो परवाह कर, ऐसी बातों से क्या घबराना, जिंदगी ऐसा पार है सुहाना।
चेस करने को बोल रहे हैं, चेस कर दिया हमने, चेस कर दिया, चीयर्स बोलते हैं। मैं चेस मतलब जो का वो, ये मत समझना कि घुमा रही है, ठीक है। मैंने चेस बोला था। तो गाइस ये देखिए हमने खा लिया यहाँ पर चेसू और भात, सुनीता लाई है ऊपर से छोले, और इतना बढ़िया टेस्टी चेसू बनाया ना रजनी ने, क्या बताऊँ। देखो और कढ़ाई चाड़ लेना, ठीक है। हाँ बहुत टेस्टी हो रहा है। बॉस वैसे सुनता बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन रजनी ने भी बहुत अच्छा बनाया है। ये है मेरा 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 बाइट, ये देखो। हाँ चला गया मुँह में। तो हमारे वहाँ पर ये ऑफर चला है आजकल, भजन कीर्तन सीखने प्रैक्टिस करने आओ और लंच फ्री पाओ। तो आज का लंच हो गया हमारी रजनी की तरफ से, बहुत टेस्टी पहाड़ी लंच। आहा ये है खुदी ब्लॉगर, ये देखो, ये आशा बिस्ती ब्लॉगर ऐसे कढ़ाई में खाती है। स्वाद ले लिया। अरे असली मसाला तो उसी पे लगा होता है सारा। तो गाइस क्योंकि रजनी ने इसको ना ऐसे ही डाल दी सिंक में, मैंने बोला यार इतना अच्छा कढ़ाई क्यों डालनी है। चढ़ो चढ़ लो देखो ये हम पहाड़ी है ना, ये हम मजे आ रहे हैं। बिना चाटे हमें चैन नहीं आता, वही तो चाटने में मजा आ रहा है, इतना स्वादिष्ट लग रहा है। तेरे हाथ का है जो मजा आता है, शाही पनीर बनी ले ये रे मेरे हाथ। तो हमारा खाना पीना सब हो चुका है। देखो रजनी लगा रही है झाड़ू और सुनीता मार रही है बर्तन, और मैंने और सुंदर ने मिलके बर्तन धोए। मैं आ गई हूँ लास्ट बर्तन लेंगे, तो सुनीता मार रही है। मीना चली गई, मीना भात खाती नहीं है, तो मीना चली गई घर अपने घर भात खाने के लिए। वो बहुत ही टेस्टी पूरा था जो रजनी ने बनाया खाना, मज़ा ही आ गया। और आज कीर्तन आपको दिखाया नहीं, तो मतलब ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिस क्या आपस में बैठ जाते हैं, अच्छा लगता है। अब हम करेंगे, हम यहाँ से जाके दूसरे रूम में जाएंगे। रजनी कह रही है अब मेरा बेटा चला गया, उसका इवनिंग कॉलेज है, तो यहाँ पर आ गए हम लोग। तो खाना खाने के बाद हाल कुछ ऐसा हो जाता है, और आते हैं कुछ काम करने के लिए, हो कुछ काम जाता है। देखो आए हैं ढोलक बजाने के लिए, सीखने के लिए, और हमारे ये जो है मेंबर्स सो चुके हैं। देखो रजनी को नींद आ गई है, सुनता हम भी सो जाते हैं, ठीक है सो जाते। तो कहीं से हम सो जाते हैं अब। हाँ, मीना आएगी तीन तो बज गए यार, तीन है ना, मीना आएगी खाना खा के 3 बजे। तो गाइस हमारा ना फिर से जगह चेंज हो गई है रजनी, फिर से जगह चेंज हो गई है। आज हमने 3 जगह चेंज कर ली, 3 कमरे में घूम लिए। पहले किचन में थे, हाँ, फिर बेडरूम में, और फिर शिवम गया, अब हम यहाँ। अब तुम आ गए, वहाँ जगह नहीं हो रही, बेडरूम अब छोटा हो गया, बेड में थे हम। और अब ये आ चुके हैं, हमारी दीदी आ चुके हैं और हेमा आ चुकी हैं, मस्त एकदम साड़ी वाड़ी में। ऐसा लग रहा सच में कीर्तन में आयो, कीर्तन में आयो, ऐसा लग रहा कीर्तन में आयो, क्या बात है। आओ नीचे बैठो, चलो नीचे बैठो, हाथ साफ करो, हाथ साफ करो, चलो साफ करो, साफ करो। हमें तो बहुत हाथ पैर मुंह सब साफ कर लिया है ना। अभी हमारे दो पेशेंट ये रजनी, हमारे 2 पेशेंट अंदर सो चुके हैं। सुनीता पेशेंट, नींद की पेशेंट है, सुनीता नींद की पेशेंट। कब से बजा रहा था वहाँ। तो यहाँ पर हमारी हो गई चाय पार्टी पूरी, ये देखिए चाय नाश्ता हमारा हो चुका है। यहाँ पर देखिए ऐसी बनी है चाय, फर्स्ट क्लास, ठंडी की, ठंडी की कह रही हूँ बस। सुनीता की चाय रह रही है, और जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तो आज की सभा हमारी होती है समाप्त। अब हम जाते हैं घर की तरफ को। उठो फिर, अब चलो, उठोगे नहीं, अब बजाएंगे सारे लोग पार्क, मैं भी जाऊंगी पार्क और घूम के आएंगे। रजनी माजे की बर्तन, चाय पानी के ढोलक हमने रख दी है, ये रजनी के लिए हो गए। ठीक है रज्जू बहन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, आपका भी सो मच, आपका भी सो मच, वेलकम वेलकम।
तो गाइज हम आ गए हैं आप पार्क में बैठने के लिए। ये देखो हमारी नीलम दीदी आज मुंह बंद करके बैठी है बिल्कुल। नीलम दीदी दांत में दर्द हो रहा है, दांत में करा के आई हूं। दांत में क्या कैप चढ़ाई है ना, कैप कैप चढ़ा के आई है। और देखो फिर भी डॉक्टर के पास आई थी दीदी यहाँ पर बी सेवन में, तो वहाँ से आ गई है। ये देखो वैसे इनको टाइम नहीं होता, वैसे इनको खूब टाइम होता है पार्क में। हमारे पार्क में हम आए हैं बैठने के लिए, तो हमने कहा चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। ओलियाल समोस की पार्टी समोसा। तो यहाँ पर हमारे पड़ोसी हुए हैं रिटायरमेंट, वो हैं लेडीज और उनसे मांग रही हैं समोसे। समोसे मांग रही थी उनसे, देखो और मुंह में वैसा कर रखा है और समोसे मांग रही थी। आज लाओ उनको बोलो, आज लाओ, आज दिखाएंगे दीदी। आज दांत में दर्द हो रहा है, आज मत मंगाओ कुछ। नहीं नहीं आज ही लाओ, कैसे खाएंगे? ऐसा करो आज ही लाओ समोसे, कह रहे एक दिन कीर्तन कराओ उस दिन खिलाओ वाला। आज जल आओ, आज जल आओ, यूं नहीं खा लो। आज दांत में कैप लगा के आ रखी है, अपने पेट के लिए बोल रही थी इसको। दीदी ने मेरे को चटका दिया है, इसको झोली भात खवाओ, झोली झूमर खवाओ। कहाँ मिल रहा है झोली झूमर? हम आए हैं पार्क में बैठने के लिए, यहाँ बहुत ही अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है मस्त करके। और छोटा बाबू भी आया, देखो ये दीदी का नाती, देखो दीदी का हाय कर दो, हाय कर दो, हाय हाय। ये देखो खुश हो, देखो अपने को देख के, ये देखो बाबू, देखो 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 देखो, ये देखो 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 ये कौन है? अपनी दादी को देख रही है वो, देखो। तो गाइज हमारी दीदी अब आ चुकी है गांव से अपने ससुर जी का वार्षिक श्राद्ध करके, और अब दीदी हमारे साथ खाएंगी पिएंगी और कीर्तन करेंगी। जो मैं कल बोली थी ना कि दीदी की हम समझन आ गई है, खुश हो रहे थे हम, वो इसीलिए खुश हो रहे थे कि अब हमारी दीदी हमारे साथ हमारे गैंग में शामिल हो जाएगी, कीर्तन वाले गैंग में। कोई खराब गैंग नहीं, हमारी कीर्तन वाली गैंग है। और आ चुकी है, आज के बाद दीदी को भी खाते हुए देखोगे आप, चाय पानी पीते हुए जो हम खाएंगे दीदी वही खाएगी। एक साल तक दीदी ने हमारे साथ चाय पानी कुछ नहीं खाया, जहाँ भी हम बोलते थे दीदी नहीं खाती कभी। तो इसीलिए कह दीदी ने किया था बारसी अपने ससुर जी के लिए, तो दीदी का हो गया, अब खुल गया, अब बारसी दीदी का। ये देखो हम हमने घेर लिया है पार्क ना, अब चलो यार अच्छा हुआ आपने बहुत एक साल तक किया, इतना कोई नहीं करता, जाना जितना आपने किया ना इतना कोई भी नहीं करता, इतना कोई नहीं करता, कोई नहीं, बहुत किया आपने। और वैसे भी दीदी पांडे थोड़े से पंडित ठहरे है ना, पंडित नहीं करेंगे तो हम थोड़ी करेंगे, सही बात है ना, नहीं सभी करते हैं, जो गुरु ठहरे हम तो कौन करता है, हम तो शिष्य ठहरे आपके है ना, पंडित नहीं करते, मतलब कह रही हूँ अगर पंडित नहीं करेंगे तो ठाकुर कहाँ से करेंगे। तो यही है फिर आज का ब्लॉग, मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।